नया दिन नई शुरुआत। फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है संदीप। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो है वर्ल्ड का टूर कराने वाला हूं, वो भी दिल्ली में। फ्रेंड्स, जान गए होंगे मैं आपको लेके जा रहा हूं वेस्ट टू वंडर इन दिल्ली, जो कि कंप्लीट वेस्ट मटेरियल से बना है। आइए चलते हैं वेस्ट टू वंडर दिल्ली, और आइए चलते हैं वेस्ट टू वंडर और देखते हैं कि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली में किस तरह से बनाया गया है, वेस्ट मटेरियल्स का किस तरह से यूज़ किया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिल जाए। फ्रेंड्स, वेस्ट टू वंडर दिल्ली का अगर आप पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए। वेस्ट टू वंडर पार्क, जो कि दिल्ली में सराय काले खां के पास SDMC के द्वारा बनाया गया है, यहाँ आप अपनी गाड़ी, ऑटो, बस या मेट्रो से भी आ सकते हैं। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है निजामुद्दीन, जो कि पिंक लाइन पर पड़ेगा। यहाँ अगर आप बस से आ रहे हैं तो सराय काले खां बस स्टैंड उतर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपनी कार या बाइक से आते हैं तो SDMC की पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के लिए पर आवर के हिसाब से यहाँ पर चार्ज किया जाता है। वेस्ट टू वंडर पार्क, जो कि सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है, और ये जो पार्क है मंडे को बंद रहता है। अगर आप वेस्ट टू वंडर पार्क का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो शाम के वक्त यहाँ पर आएँ, क्योंकि नाइट में इसको देखने का मज़ा कुछ और ही है। दोस्तों, ये वेस्ट टू वंडर पार्क है, करीब 7 एकड़ में राजीव गांधी स्मृति वन में बना है, जो कि दिल्ली के सराय काले खां के पास है। और ये जो पार्क है वो 2019 से पब्लिक के लिए खुला हुआ है। अगर हम एंट्री टिकट की बात करें तो 13 से 65 की उम्र के लोगों के लिए टिकट जो है 50 रुपये की है, और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट जो है 25 रुपये की है। 3 साल से कम के बच्चे और 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए एंट्री जो है वो फ्री है। संडे को टिकट का जो चार्ज है वो डबल हो जाता है, और मंडे को ये पार्क बंद रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि वेस्ट टू वंडर पार्क जो है करीब 7 एकड़ में बना हुआ है, इसको बनाने में करीब 7.5 करोड़ का खर्चा आया था और करीब 6 महीने का टाइम लगा था। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर पूरा किया गया है, और इसको बनाने में सारा का सारा स्क्रैप मटेरियल का यूज़ हुआ है, जैसे कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फैंस, रॉड्स, आयरन सीट्स, नट बोल्ट्स, बाइसाइकिल बाइक के पार्ट्स, मेटल रेलिंग्स, पाइप्स, बाइक की चेन, बेंचेस और टॉर्च जैसी चीज़ों का यूज़ हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स और विंड मिल्स का बेहतरीन तरीके से जो है यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इन वेस्ट टू वंडर्स की तरफ, जिनको जो है कंप्लीट स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है, इनके बारे में जो है एक एक करके जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वेस्ट टू वंडर है वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि ओरिजिनली आपका इजिप्ट में लोकेटेड है, और वहाँ पे जो उसकी कंस्ट्रक्शन है 2550 से 2490 BC के बीच में हुई थी। यहाँ पर उसकी हाइट जो है करीब 18 फीट की हाइट बनाई गई है, करीब 110 लेयर्स हैं इसमें, और 12 टन्स ऑफ स्क्रैप मटेरियल का इसमें यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वेस्ट टू वंडर है वो है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि ओरिजिनली इटली में लोकेटेड है। इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन 1372 में हुई थी। इसके बाद इस इमारत को जो स्टेबलाइज़ किया गया, जिसका काम 1993 और 2001 के बीच में किया गया। ये जो पूरी इमारत है करीब 3.97 डिग्री जो है टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है। अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी जो हाइट बनाई गई है वो 25 फिट के आसपास बनाई गई है। इसमें जो स्क्रैप मटेरियल यूज़ हुए हैं वो है साइकिल रिम्स और ओल्ड पाइप्स, और करीब 10.5 टन्स का जो है स्क्रैप मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वेस्ट टू वंडर है वो है एफिल टावर ऑफ पेरिस। एफिल टावर ऑफ पेरिस की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 15 मार्च 1889 में जो है कंप्लीट हुई थी। इसमें जो है विजिटर्स के लिए 3 लेवल्स हैं, जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लेवल पे जो है रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है 60 फिट की बनाई गई है, और करीब 40 टन्स का जो है ऑटोमोबाइल स्क्रैप मटेरियल यूज़ हुआ है इसको बनाने में। फ्रेंड्स, ये जो एफिल टावर है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है।
अगर नाइट में बात करें तो लाइट के अंदर जो है बिल्कुल ये ओरिजिनल एफिल टावर जो कि पेरिस में बना हुआ है उसकी तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है वेस्ट टू वंडर वो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो कि ओरिजिनली न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। इसको जो है अमेरिका और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट से बनाया गया था। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 28, 1886 में। इसकी जो हाइट है ओरिजिनली वो है 93 मीटर्स। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी हाइट 35 फिट बनाई गई है और इसमें जो है 8 टन्स ऑफ वेस्ट मेटल यूज़ हुआ है। फ्रेंड जो नेक्स्ट वेज टू वंडर है वो है रियो रिडीमर ब्राज़ील जिसको जो है कॉर्कोवेडो माउंटेन के ऊपर बनाया गया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो अक्टूबर 12, 1931 में पूरी हुई थी। वहाँ पर इसकी जो हाइट है वो है 38 मीटर्स मतलब 125 फीट के आसपास। यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 25 फीट बनाई गई है। फ्रेंड जो नेक्स्ट वेज टू वंडर है वो है हमारे इंडिया का ताजमहल जो कि यमुना के किनारे आगरा में बना हुआ है। इसको जो है शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 1653 में। यहाँ पे जो इसकी हाइट बनाई गई है वो है 20 फिट की हाइट और इसमें करीब 30 टन्स का वेस्ट मेटल यूज़ हुआ है। फ्रेंड जो लास्ट इसमें वेस्ट टू वंडर है वो है द कोलिशियम जो कि ओरिजिनली रोम में बना हुआ है इटली में। और इसको जो बनाया था कंस्ट्रक्शन जो इसकी हुई थी वो हुई थी AD 72 में। अगर इसकी हाइट की बात करें ओरिजिनल तो 157 फीट की हाइट है। यहाँ पे जो इसकी हाइट बनाई गई है करीब 16.6 फीट की जो हाइट बनाई गई और इसके अंदर जो है 11 टन्स ऑफ स्क्रैप मेटल का यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर कैफेटेरिया की फैसिलिटी भी है जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी और आप यहाँ पर आकर रेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं। आप भी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ यहाँ आकर इस पार्क का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।